ए और ए बी में रखना पड़ता है 8। ठीक है अदिति बाबू, चलो ठीक है समझो बाबू। अदिति बुक ओपन करो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करो बाबू कि 4A19B है ठीक है ना, तो कह रहा बाबू ए और बी की जगह कौन सा नंबर रखे बाबू, कौन सा नंबर रखे कि 101 क्या हो, डिविजुअल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए बाबू एक जगह क्या रखो, 5 रखो, ये ऑप्शन ए से चूज करना। बी की जगह क्या रखो, 4 रखो, तो 45194। अब इसको 101 से डिवाइड करो, तो देखो डिवाइड करो वैसे तो डिवाइड करोगे तो डिविजन तो इधर करता है 479 बाबू, ये वो सब ट्रेड करोगे तो 5 हो जाएगा, ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर वो 4 वाला उतारो तो 7 टाइम्स में निकालो बाबू, 7 टाइम्स में निकालोगे तो 707 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, ठीक है बाबू, है ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं ना बाबू, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना बाबू। कह रहा कौन सा ए बाबू, ए बी की जगह कौन सा नंबर रखे बाबू, हमको 101 से डिविजुअल हो जाए, तो ऑप्शन ए रख रहे हो तो मेरा क्या एक जगह डिविजुअल नहीं हो रहा, क्यों नहीं रहता, क्योंकि रिमाइंडर बाबू मेरा 47 आ रहा है, 47 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी तरह ऑप्शन बी भी चेक करना, सिमिलरली बाबू ऑप्शन बी चेक करना, सी चेक करना, डी चेक करना, जो जिससे रिमाइंडर 0 आएंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्ट डिविजुअल होंगे, एग्जैक्ट डिविजुअल होंगे। नेक्स्ट जानवी, समझे जानवी दास, नेक्स्ट बोलो बाबू। बोलिए जानवी दास कौन सा बताइए। अच्छा ठीक है 14 बताते हैं सब बाबू, बनाइयो 14 जानवी दास, कितने बनाइयो बाबू, 14 मेरे से नहीं बना, नहीं बना बाबू, चलो देखो शैतान डरा दिया गया। तरी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट बाय ए प्लस 2 माइनस ए बाय ए माइनस 2, हाँ वही बता रहा बाबू, 14 ठीक है ठीक, अरे ठीक है ठीक है, वही बता रहा, वही ठीक 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 है, शांत हो जा, शांत हो जा देवी, एक्स बटा वाई बाबू वही बता रहे हैं, ए प्लस 2 बाबू और ए माइनस 2 दिया हुआ, तो फाइंड करने का रहा बाबू, देन बाबू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, है ना ठीक है। अब यहाँ पे बाबू अगर आप बाबू थोड़ा सा नहीं सोचने में तेज हो गए तो क्वेश्चन में दिन भर बनाते रह जाओगे, थक जाओगे। एक्स बटा बाई दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ए प्लस 2 और ए माइनस 2 दिया हुआ है ना, ठीक ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी बाबू, इसको भी बाबू क्या करो, एक्स बटा बाई के फॉर्मेट में लिख दो, क्यों सर, इसको एक्स बटा बाई के फॉर्मेट में अगर लिख दोगे, शांति से देखो सुनो बाबू, इसको भी सर एक्स बटा बाई बाबू या बाबू बाई बटा एक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे तो उसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है ना, दिया हुआ बाबू है ना, ठीक है, तो इसको भी एक्स बटा बाई में लिखो और इसको भी एक्स बटा बाई के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो ना। अब शांति से सुनो, यहाँ समझो जानवी दास, हमारे सबसे तेज जानवी दास, समझो प्रखर, ये तो प्रखर खाली इधर उधर करते रहती है, क्वेश्चन को समझती नहीं, इधर उधर करते रहेगी, बैठ के आराम से कभी नहीं सुनी आज तक, बाद में कन्फर्म होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा कि x बटा y बराबर a प्लस 2 और a माइनस 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो हमको क्या लाना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, ठीक ठीक बाबू, तो ये लाना है। तो अब बाबू जैसा जो रिजल्ट दिया हुआ है ना बाबू, जो आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ उसी के अनुसार चलना, यहाँ x बटा y दिया तो इसको भी x बटा y के फॉर्मेट में लिखो ताकि आपको आसान हो गए। कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे कैसे, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब देखो बाबू एक्स बटा बाई कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, शांति से सुनो, अगर सभी में बाबू, सभी में बाबू, सभी में, सभी में शैतान, सभी में बाबू हम लोग क्या करें, क्या करें बाबू, क्या करें बाबू, यहाँ क्या था, नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अगर सभी में बाबू बाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं किसी भी नंबर को बाबू, ठीक है ना, जैसे मान लो कि बाबू क्या है 2 है और यहाँ बाबू क्या है 3 है, ठीक है, तो इस नंबर को बाबू मान लो 2 से ऊपर भी डिवाइड करो, 2 से बाबू 3, 2 से नीचे भी डिवाइड करो, तो सिमिलर नंबर को बाबू डिवाइड करने से रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होगा, रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे क्या बाबू 2 है बाबू, 2 है बाबू और यहाँ 3 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं सर कोई सिमिलर नंबर से, मतलब यहाँ बाबू हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी बाबू इसको 3 से कर रहे हैं, जैसे बाबू मान लो यहाँ 4 से इसको डिवाइड करो, तो इसको भी बाबू अगर 4 से डिवाइड करो बाबू
तो रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होगा। रिजल्ट पहले क्या था, 2/3 था, दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करने तो रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होता। ठीक, तो यही कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। दिस कंसेप्ट बाबू बिल्कुल अप्लाई बाबू, ये हमको क्या लाना सर, व्हाट वी हैव टू गेट बाबू, वी हैव टू गेट x by y फॉर्मेट है ना। तो इसमें क्या करो, सारे में बाबू बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वी डिवाइड द बाई स्क्वायर हर एक टर्म, इच एंड एवरी टर्म, दिस इज बाबू ऑल्सो डिवाइड बाई बाबू बाई स्क्वायर, हियर बाबू इन दिस दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाई बाबू बाई स्क्वायर, और दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाई बाई स्क्वायर है ना। ठीक सर, if we babu divide the babu similar number in numerator and denominator babu, then the result will not change hai na babu, result mera change nahi hoga hai na. theek babu, after then babu what we do babu, theek hai na, next babu, theek hai na, ab mera rasta kya ho gaya, aasan ho gaya, how sir, ke dekho babu kaise, ye kya ho gaya x square or divide by y square minus y square numerator denominator same babu, to cancel out ke kya denge, 1 denge hai na, to 1 ho gaya, next babu x square y square ठीक, अब प्लस बाबू ये दोनों सेम है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना बाबू, तो कोई भी नंबर को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू, स्क्वायर को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो बचाएं बताएं, जब एल के जी में थे उसी समय बताएं है ना बाबू, जैसे बाबू मान लो एक्स बटा बाई है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर है, इसको इकट्ठे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटा बाई के होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बहुत, ये दोनों स्क्वायर को एक बार लिख सकते हैं ना, एक बार लिख सकते हैं, ये एल के जी में थी तभी बताया ना अभी। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू व्हाट वी गेट बाबू, तो राइट बाबू, राइट एक्स बाई वाई फॉर्मेट, एक्स बटा वाई का स्क्वायर, डोंट राइट एनीथिंग बाबू प्लीज है ना बाबू, कुछ नहीं लिखे है ना, पहले लिसन केयरफुल्ली है ना बाबू, एक बार समझ जाओगे बाबू तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आता है समझना, बोलो ना बाबू। हाँ बाबू, तो x by y बाबू, we can also write बाबू x by y the whole square, ठीक है बाबू, next बाबू further बाबू, x by y है बाबू, तो here we can also write बाबू x बटा y का square a plus one, ठीक, next बाबू, x बटा y what we get बाबू, x by y this a plus two or a minus two, x बटा y की value ये दिया हुआ है ना, दे दिया दिया हुआ है बाबू, अधिकतर हमारी नहीं ना आई, नहीं आई होगी सेता, आ गई बाद इतने हम तो सोचे नहीं yes, क्या पाओगे। हाँ बाबू x बटा बाई बाबू ये वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ पे x बटा बाई की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे a plus b a plus 2 a minus b 2 करके है ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा है ना, अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देता बाबू क्या करें, x बटा बाई क्या सर a plus 2 है a minus 2 है, तो a plus 2 हो गया बाबू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a minus 2 हो जाएगा, तो x बटा बाई इतना है ना, और ये स्क्वायर छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगा, स्क्वायर भी लेना है ना, तो इसका होल स्क्वायर करो और माइनस वन है बाबू माइनस वन करो और डिवाइड वाला जाओ, एक्स बटा बाई है, एक्स बटा बाई है, तो एक्स बटा बाई की वैल्यू ये है, तो ए प्लस टू बाबू और ए माइनस टू, यहाँ स्क्वायर है सर तो यहाँ स्क्वायर करो और यहाँ प्लस वन है तो प्लस वन करो है ना बाबू। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आते, तो आप लोग लिखो बाबू, यहाँ लिखो आफ्टर देन बाबू राइट डाउन हियर है ना, दिस 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 इसको नहीं राइट करना, लिखो फिर आगे सॉल्व करने से था, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है बाबू, ये मैंने मान लो कि थर्ड क्लास का क्वेश्चन बाबू है ना, ये सब हम लोग क्लास में, क्या बाबू सर ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग किए भी नहीं है सर क्लास में, अरे तो आपको पढ़ाया नहीं गया बाबू, हम बार बार बोलते हैं आपको पढ़ाया नहीं गया, ऐसा थोड़ी बाबू आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो उतना ही दुनिया है ना, ऐसा जरूरी नहीं बाबू, ठीक है ना, दुनिया बहुत बड़ा है बाबू, अब दिमाग लगाइए, ये आफ्टर दिन बाबू भाटवे डू बाबू, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सर, ये सच में थर्ड क्लास का क्वेश्चन है सर। हाँ बाबू ज्यादा टफ नहीं है, अच्छा इसमें कौन सा स्टेप है जो आपको नहीं आता है, कौन सा स्टेप छोड़े हैं, ए दित्री यस सर, हमको क्यों ऐसा लग रहा है बाबू कि आपको अंदर से टेंशन हो रहा है, नो सर नहीं टेंशन हो रहा,
अच्छा कितना होमवर्क में, दो मात्र 2.5 आवर क्लास होता है ना बाबू स्कूल का, 24 आवर मान लो, 3 आवर छोड़ो, 3 आवर स्कूल का, तो होमवर्क कितने आवर के देते बाबू, 3 घंटे होमवर्क देते होंगे, देते रहिए सर, उसको समझ के करना पड़ता है। तो कितने आवर लगते होंगे, बोलिए ना बाबू, बाबू आप पढ़ते हो डेली तो आपको पता ना सर, हमको 3 घंटे लग, 3 आवर लगते हैं, 4 आवर लगते हैं, 5 आवर लगते हैं, कितने आवर लगते हैं सर? अगर कम देंगे तो उसको समझ जाऊंगा, तो बनाने में कर लूंगा कंप्लीट। चलिए लिख लिए, ठीक है बाबू, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, एक आधी नाव बर्दाश्त कीजिए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे बाबू, वहाँ बोर्ड मास पढ़ाएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर थोड़ा आप छोड़ दी ना, 2-3 दिन छोड़ दी, इसलिए गड़बड़ा गया। देखो सानवी का छोड़ दी बाबू, तो उसको मम्मी साथ बात करेंगे तो उसको नए बैच में डाल देंगे 7:15 वाले जीवन, लेकिन 7:15 उसका अथी का एबस्कस होता है ना बाबू, एबस्कस का क्लास होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब इसके बाद बाबू, इसके बाद क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, बोले यदि जानवी दास कुछ बोलना चाहते बाबू, यहाँ तक समझ में आया जानवी दास की नहीं बाबू? चलो ठीक है, समझ में आया। अभी आप, हाँ बाबू, यहाँ से अब बाबू थोड़ा सा ये करना है ना, आप बाबू थोड़ा सा हैंडल कर लो सिचुएशन को जानवी दास, तो फिर सबसे आगे हो जाओगे, आपके स्कूल में बहुत आगे हो जाओगे। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में बाबू क्या, मार्च अप्रैल में जाओगे 6 में, तो 6 का सिलेबस आपको ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना, खत्म हो चुका आपका 6 का सिलेबस, बुक ओपन करोगे ना शैतान, तो सारा चीज आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ प्रॉफिट लॉस तो वो सब भी जाते जाते हो जाएगा आपका, मतलब हमारे यहाँ से 1 साल और पढ़ लोगे ना बाबू, तो आपका 7-8 सब खत्म हो जाएगा, तो स्कूल में जाकर सोना। इसको थोड़ा सा और अप्रोच करते हैं, तो ये स्क्वायर बाबू तो उछल के इस पे भी आएगा, उछल के इस पे भी आएगा, मतलब क्या बाबू आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के होल स्क्वायर बाबू डिवाइड बाय कितना सर, 2 के होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाबू तो ये दोनों पे उछल के आएगा और ये डिनोमेटर वाले पे उछल के आएगा, -1 है बाबू तो -1 लिखो, डिवाइड बाय बाबू, डिवाइड बाय बाबू, a+2 a-2 है तो a+2 का ये स्क्वायर उछालो तो इस पे भी आ जाएगा सर, और a-2 का इस पे भी आ जाएगा, और -1 है, ठीक है सर, बात समझ में आता। अब एलसीएम ले लो, अब क्या करेंगे शैतान, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा दे दिया, वो है ना लंबा दे दिया, क्या करें, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यही ना डिनोमिनेटर, तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इधर तो लिख लिया बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया बाबू एलकेजी के, मैंने 3rd-4th क्लास का दे दिया है, क्या किया आई तो 3rd क्लास का जी, लेकिन आप लोग को पढ़ाया नहीं गया। जानवी शर्मा, ये जानवी शर्मा सो गई, नो सर, नहीं सो गई, हाँ वो तो स्कूल वाले टीचर नहीं बताए इसको, इस क्वेश्चन को सर बताए ना, मेरा सही भी गया सर, a+2 के होल, अब एलसीएम लेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम ले लेंगे सर, तो नीचे क्या हो जाएगा, a+2 का होल, a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जो टर्म है वही एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया। अब फिर बाबू क्या करेगा, 1 है बाबू, 1 से डिवाइड करो, यही आएगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ क्या हो जाएगा, a-2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू, ये हो गया एलसीएम। नेक्स्ट बाबू, सिमिलरली बाबू, सिमिलरली बाबू, सिमिलरली डिनोमिनेटर का एलसीएम लो शैतान, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे बाबू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो, एलसीएम, इसका एलसीएम ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बाबू कितना हो जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन बाबू आप लोग अपने फ्रेंड को देखिएगा ना, अरे बहुत सारे टीचर भी ना बता पाएंगे बाबू, ठीक है। यहाँ क्या है सर, हाँ स्क्वायर बाबू, तो यहाँ स्क्वायर होगा ना, अच्छी बात है सर। अब बाबू a/b और this/this,
तो अल्टीमेटली ये वाला ऐसे आप लोग पढ़े हो ना बाबू, क्या करे उधर जानवी दास, अगर 3/4 है अब 5/7 है तो ई 7 क्या जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3/4 बाबू मल्टीप्लाई बाबू 7 ऊपर जाता तो 7/5, ये 3/4 है बाबू 7 ऊपर उलटता है ना बाबू, जो नीचे रहता है ऊपर जाके क्या हो जाता उलट जाता है ना, उलट जाता बाबू, ठीक है ये प्रखर बाबू काहे नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट की बाबू, लिखो शैतान ये लिखो ये लिखो फिर ये लिखो 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 फिर बता रहे हैं आगे बाबू, आगे स्पेस चाहिए बाबू, स्पेस हमको चाहिए, स्पेस तो है ही नहीं, इरेज करेंगे तब नीचे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए बाबू, लिखिए इसको सुंदर सा बनाइएगा, अपने फ्रेंड से पूछिएगा ये सब क्वेश्चन देख के डर जाएगा आप कैसे बना लिया, प्रधान समझ में आता है बाबू, मिस्टी का तो ऊपर ऊपर पार हो रहा है, सर यस सर आता है आपको समझ में आया सर, खत्म हो गया सर इसीलिए मैं डाटा ऑफ रखा सर, 90% खत्म हो गया, संजना समझ में आता बाबू नहीं आया सर, अरे बैसे का तो टेस्ट नहीं लिए थे सर इस बार वीकली टेस्ट, बैच सी का बाबू टेस्ट तो लगभग हो ही गया ना, बैच सी का टेस्ट बाबू ये 20 वीक वाला नहीं हुआ, वीक वाला नहीं हुआ लगता सर, ये वाला वीक का नहीं हुआ सर, वीकली टेस्ट हुआ नहीं है, नहीं हुआ सर, चलो हां ना वीकली टेस्ट नहीं हुआ, जल्दी से लिखो जल्दी से लिखो, थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया तो इसका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको आप लोग अटेम्प्ट करो, कहोगे तो कल इसको सॉल्यूशन करवाएंगे, अदरवाइज बाबू न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, कितना क्वेश्चन बचा हुआ जान शुरू कर दीजिए जानवी दास, सर 14 से लेके 30 तक कोई डाउट नहीं सर, उसके बाद है नेक्स्ट बाबू, अब इसको बाबू उलट दो अल्टीमेटली यहाँ पे बाबू ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, उल्टे क्यों सर, यहाँ भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे a प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस बाबू a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय बाबू a प्लस 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस बाबू a माइनस 2 के होल स्क्वायर, ठीक, अब इसको अब यहाँ से दो तरीका है, इसको टोटल को ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना बाबू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको बाबू होल में ब्रेक करो, होल में ब्रेक करो, ठीक है, यहां से क्या करोगे शैतान, या तो बाबू ए प्लस बी है तो इसको ए प्लस टू के होल स्क्वायर में ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो और उसके बाद सिंप्लीफाई करो, देखो शैतान a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, ये a प्लस टू है का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस टू ए बी या प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको बाबू इसी फार्मूला पर बैठाने की कोशिश करो, a की जगह a है, b की जगह क्या है 2 है, तो इसको फर्दर बैठा हुआ तो a स्क्वायर सर प्लस 2ab, तो 2 into 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया into a हो गया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस है बाबू, इसको फार्मूला पे बैठाओ ना, क्या है प्रखर सो गए बाबू, प्रखर a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इनटू 2 बाबू इनटू a बाबू और प्लस 2 का स्क्वायर, ये प्रखर सो गए प्रखर, हमारी मिष्टी देखो तो जगी हुई है, आप लोग रात भर क्लास कैसे करोगे शैतान बताओ, नाइट में मान लो कभी रात भर पढ़ाना रहे बाबू तो कैसे पढ़ोगे, a प्लस 2 के होल स्क्वायर, तो यही बाबू a स्क्वायर 2 इनटू 2 a बाबू और प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बाबू a स्क्वायर बाबू a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बाबू 2 इनटू 2 इनटू a बाबू और प्लस बाबू कितना 2 का स्क्वायर, अब इसको सिंपलीफाई करो आंसर आपके आ जाएंगे, a स्क्वायर हो गया बाबू 2 2 a 4 a हो गया, अब बाबू प्लस 4 हो गया माइनस बाबू ब्रैकेट दो ए स्क्वायर माइनस 4 ए हो गया अब प्लस 4 हो गया,
बाबू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बाबू, प्लस फोर है, प्लस फोर हो गया। ये क्वेश्चन हमको नहीं बताना चाहिए था, हमको आपको आप लोगों को डेफ टेंशन हो रहा है, क्वेश्चन भले छोड़ देते बाद में बताते हैं, कास्ट साल के बाद बताते हैं। ये स्क्वायर बाबू टूट थोड़ा जा रहा है सर की, बाकी सारा ही भूल जा रहे हैं सर, ये दिमाग में सेट करते करते। हाँ बाबू हमको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बाबू लिखो लिखो, फिर इसके बाद अब लास्ट स्टेप है, अब आ गए बाबू, अब आ गया हम लोग, पहुंच गए बाबू नानी घर पहुंच गया, थोड़ा सा लंबा वाला रूट पकड़ लिया बाबू, है ना, लेकिन नानी घर अल्टीमेटली पहुंच गया, नानी घर पहुंच गया, मतलब नानी घर का रास्ता इतना जैसे भी करिए ना ऐसे। चलिए बाबू ठीक है लिखो, अदिति जन्मीदास बाबू समझ में आया थोड़ा बहुत, अरे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करो, क्या किया कुछ तो नहीं किया, जल्दी लिखे बाबू, डरना नहीं है जन्मीदास, हिम्मत बांधो, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है बाबू जन्मीदास, बहुत आपको ये इनकरेज करती है। जिसके पेरेंट्स बच्चे को इनकरेज करेंगे वो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, भले बच्चे किसी क्लास का एलकेजी का क्यों नहीं रहे, ठीक है ना बाबू, अगर पेरेंट्स इनकरेज करेंगे तो आप में एनर्जी आएगा, है ना, कि पढ़ो बेटी पढ़ो एकदम, एट नाइन टेन सब पढ़ो, तो निश्चित पढ़िएगा। ये सब अभी आप लोग एक बार कर लोग बाबू तो समझते हो आपका बहुत लेवल हाई हो जाएगा। जल्दी करो बाबू जल्दी करो, लिखी प्रखर, यस सर, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब नहीं कुछ बचा हुआ, अब कुछ नहीं, ब्रैकेट है बाबू, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे बाबू तो साइन का सब का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बस यही करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस फोर है क्या बाबू, ए स्क्वायर प्लस फोर है, प्लस फोर है, ठीक। अब ये नेगेटिव साइन है बाबू, इसको ब्रैकेट के अंदर डालो तो सारे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बाबू तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस फोर ए स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बाबू, डिनोमिनेटर में ये चीज, डिनोमिनेटर में क्या सर, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर बाबू, और ए स्क्वायर माइनस फोर ए बाबू, यहाँ फोर ए हो जी, माइनस फोर ए प्लस फोर। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल आउट होंगे, ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर, माइनस सर प्लस सर, ये फोर सर फोर सर, फोर ए कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, यहाँ बहुत कौन कैंसिल होगा, ये फोर ए स्क्वायर नहीं होगा, ये फोर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया, एट ए हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया, टू ए स्क्वायर हो गया सीधा, प्लस फोर कितना हो गया, एट हो गया। ऑप्शन बाबू कौन आता है, इसमें भी दो है बाबू, ऊपर में भी दो है, टू इंटू बाबू फोर इंटू ए, यहाँ भी दो है बाबू, तो दो इससे कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस फोर हो जाएंगे, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फोर है बाबू बटा ए स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ये आंसर आ गया बाबू, दिख रहे ठीक है, ऑप्शन आपका डी आया बाबू, था एलकेजी का क्वेश्चन दे दिया था बाबू, है ना, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था, इसको सुंदर से बना के फिर में कंप्लीट लिखना, सबको डराना, देखो इतना लंबा क्वेश्चन आप करते हो, कैसे करते हो करके दिखाता हूँ, ठीक है आर्यन मिश्रा जी को दिखाइएगा, चलिए राइट डाउन करो बाबू, संजना नहीं ना समझ में आया बाबू, जय संजना बोलोगे कि नहीं बोलोगे बाबू, जन्मीदास और कौन कौन से डाउट रह गए इसमें बाबू, जानवीदास यस सर, कौन कौन से क्वेश्चन डाउट रह गए हैं,
सर मुझे 16 में, 17 में, 15 में, 13 में और 6 नंबर में डाउट है। 6 नंबर नहीं बताना होगा, 7 नंबर। एको के 7 नंबर, एको के 6 नंबर। सर मेरा 8 नंबर भी डाउट है। 8 नंबर भी डाउट है बाबू। बना ही हो क्या चीज बाबू? सर सारा तो डाउट ही है सर सबका। अरे तो बच्चे है बाबू, क्या करोगे? तो इसको ऐसा करते बाबू, कल आप लोग क्या करते हो, नया चैप्टर शुरू करें या इसमें बाबू भेज दें तो और टाइम लग जाएगा। अब हमारे अदिति रो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको जिस दिन तो अलजेब्रा पढ़ाएंगे बाबू, आप लोग इसको कंप्लीट करो, ठीक है? इसको कंप्लीट करो, जो जो डाउट है रहने तो संडे वनडे को टाइम मिलेगा तो उसमें बता देंगे डाउट सर। कल नहीं तो आपको बोर्ड मास सिंपलीफिकेशन और ये बोर्ड मास पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम एंड सिंपलीफिकेशन। क्या बोलते हो अदित्री? क्या बाबू, बहुत हल्ला करती है।